ओम शांति। आज की तारीख है 20/4/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे गीता के भगवान शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे जो खुशी खुद को मिली है, जो हमें बाप को पाकर खुशी मिली है, वो सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत पसंद है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को ये ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी भी बात में नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो ये दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार और जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं और उनकी बुद्धि भी भरपूर रहती है। कितने बड़े बड़े फायदे। गीत बजा है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, बाप समान महादानी बनना है। सबके सबको सुख शांति का वर्षा देना है। ज्ञान को धारण कर फिर उसे उगाड़ना है, जैसे गौ घास खाके फिर शांति से बैठ के उसको उगाड़ती रहती है। नंबर दो, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और ये ड्रामा कितना विचित्र है, इसका सिमरन कर मजे में रहना है। वरदान बाप दादा का पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ धर्मी बनाता है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों का परिवर्तन करो तो सफलता समीप में दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही सदा मिली है। इसीलिए पुरुषार्थ से धर्मी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते।
ओम शांति।